नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड में मां और बच्चों के बारे में विस्तृत रूप से स्वास्थ्य जानकारी अंकित कराने को लेकर शुक्रवार को जमुआ प्रखंड की सभागार में यूनिसेफ बैनर तले सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मिला प्रशिक्षण, जिसमें मास्टर ट्रेनर शुभम सागर ने सहिया दीदी सहिया साथी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आम आवाम गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की कैसे जानकारी एवं लाभ पहुंच सके इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। जमुआ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार ने प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित सहिया को मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड के जरिए जननी सुरक्षा योजना से संबंधित लाभार्थी माताओं को सरकार स्वास्थ्य संस्थान एवं प्रमाणित निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर सहयोग राशि प्रदान कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत मिलने वाले लाभ यथा गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म के बाद एक साल तक बीमार नवजात शिशु के लिए मिलने वाले इलाज, दवाएं, जांच, टीकाकरण, खून की उपलब्धता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अक्षमा पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि सभी सहिया अपने पोषक क्षेत्र में TB, मलेरिया जैसे बीमारी का भी सर्वे करते रहें। आप सभी के प्रयास से हर घर स्वस्थ रह सकते हैं। मौके पर मोहम्मद कुदुश, अभय कुमार, राखी कुमारी स्वास्थ्यकर्मी के अलावा पिंकी देवी, मीणा वर्मा, उर्मिला कुमारी, धनेश्वरी देवी आदि मौजूद थे। इससे ये होगा कि यहाँ पे हम जमुआ में और यहाँ के हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे जोर देंगे और यहाँ पे हम लोग जितना भी कहीं भी लाभार्थी जो छूट रहे हैं किसी ब्लड के वजह से किसी भी वजह से उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए आज यहाँ पे जानकारी देंगे। और यहाँ पे जो लाभार्थी को MCP कार्ड दिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि वो कितना ज़रूरी है, माँ को इसमें ANC करवाया जाता है, वो सारी ANC की जानकारियाँ दिया गया। साथ में बच्चों को जो टीकाकरण होता है उसके बारे में जानकारी दी गई। टीकाकरण के तहत जो MCP कार्ड में जितनी फॉर्मेट फिल होती है उसे सही तरीके से फिल किया जाए, वो सारी बातों की जानकारी दी गई। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी के बारे में बताया गया, इसमें बताया गया कि ब्लड ग्रुप क्यों जांच करवाना है, इसका महत्व क्या है और इस नहीं करवाने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है बच्चा को और उनकी माँ को, तो उसके बारे में बताया गया कि क्यों करवाया जाता है।